अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आपके साथ ब्रोकली विद श्रिम्स, आपको तो सुनने में बहुत ही अजीब लग रहा होगा लेकिन ये बहुत मज़े की है, बहुत मज़े की रेसिपी मैंने बनाई है अपने स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो चीज़ें इसमें ऐड होती हैं मैंने इसको बिल्कुल देसी स्टाइल से बनाया, बहुत मज़े की। इसमें ब्रोकली जाएगी, 400 ग्राम तकरीबन मैंने ब्रोकली ली है। इसके अंदर शिम्स जाएंगे तकरीबन 300 ग्राम, ये देखें, ये 360 ग्राम की पैकिंग में आता है, मैंने थोड़े से यूज़ कर लिए थे पहले। आलू जाएंगे इसके अंदर, एक आलू डाला है मैंने, दो ग्रीन चिली हैं, इसमें एक लार्ज अनियन जाएगा। मसालों में देख लें, इसमें मैंने रेड चिली ली है, ये चम्मच, उसके बाद टमाटो पेस्ट लिया है इसी चम्मच से, हल्दी ली है मैंने एक चम्मच, नमक लिया है एक चम्मच, गरम मसाला एक चम्मच, जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है दो चम्मच है, एक चम्मच जिंजर पेस्ट एक चम्मच गार्लिक पेस्ट। अब मैंने तेल को गर्म कर लिया है, इसके अंदर अनियन डालेंगे, अनियन को करेंगे फ्राई। बहुत ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करना, थोड़ा सा ही करना है ब्राउन, तकरीबन गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। इसके अंदर आप ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, मिक्स करें। इसके अंदर जाएगा नमक, ये टिप भी है कि नमक अगर हम पहले डाल देते हैं तो इससे जल्दी ये ब्राउन हो जाता है और हांडी जल्दी पकती है। स्टार्ट में अगर हम शामिल कर देते हैं, चिकन में, मटन में, जिस चीज़ में भी हम ये ऐड करें तो जल्दी हो जाता है। अब इसमें श्रिम्स ऐड करेंगे तकरीबन 300 ग्राम, सॉरी, इस तरह करने से इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये अब हो चुका है, इसके अंदर एक चम्मच सुरख मिर्च, एक चम्मच हल्दी, गरम मसाला एक चम्मच, इसमें धनिया पाउडर जाएगा एक चम्मच, एक चम्मच टमाटो पेस्ट है ये, इसके अंदर जाएगा, मिक्स करें। अब इसको कवर करके रख दें जब तक ये श्रिम्स जो है वो टेंडर नहीं हो जाते। अब इसके अंदर आलू डाल दें, मिक्स करें। इसमें तकरीबन एक कप पानी डाल दें आलू गलने के लिए, क्योंकि ब्रोकली जो है वो जल्दी गल जाती है। अब इसको कवर करके रख देंगे। अब आलू जो है हमारे गल चुके हैं, इसमें ब्रोकली ऐड कर देंगे। मेरी बेटी पास बैठी बोल रही है। इसको करेंगे मिक्स। मिक्स किया, अब इसको कवर करके रख देंगे। तकरीबन 10 मिनट में ये रेडी हो जाएगी। अब इसकी देखिए फाइनल लुक, ये देखें, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। अब इसके ऊपर मैं गरम मसाला डाल दूँगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा
अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ओके जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।